अयोध्या महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ शुक्रवार शाम को हुआ। इस मौके पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान देश के कई बड़े कलाकार इसमें शामिल हुए, तो अपनी प्रस्तुतियां वो इस दौरान देंगे। महोत्सव के पहले दिन कवि कुमार विश्वास ने अपनी प्रस्तुति दी। स्थानीय कवियों ने कविता पाठ कर स्थानीय दर्शकों को आनंदित किया। अतिथियों का उद्घाटन के बाद सीधे स्वागत सत्र यहां पर होगा, जिसमें हमारे अतिथियों का स्वागत होगा। तो कवि कुमार विश्वास ने भी अपनी कविता से लोगों का दिल जीता। दतिया में महोत्सव हुआ है, रंगारंग शुभारंभ हुआ, 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल होने के लिए सम्मान करें। मैं इस दतिया की पुण्य भूमि पर, उस महामाई की भूमि पर जिसकी एक कृपा कटाक्ष से सड़क के एक किनारे भिक्षु की मुद्रा में खड़ा हुआ व्यक्ति राजसत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है, मैं उस माई के दरबार में खड़ा हुआ। क्या बात है। मैं पिछले 32-33 वर्षों से मध्य प्रदेश आता हूं। यहां लहार से लेकर भिंड तक और खुरई से लेकर अशोकनगर तक ऐसी कोई छोटी बड़ी जगह नहीं है जहां मैंने अपनी कविता का बचपन ना तराशा हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों के बीच भी किस बच्चे को लाड़ से उठाकर कब गले से लगाना है, यह उस बच्चे की शिष्टता और चपलता पर नहीं, मां के अनुराग पर निर्भर करता है। मैं आज ये अनुभव करता हूं कि इतने वर्षों की साधना कराकर आज माई ने सोचा कि अभी यह लड़का इस काबिल हो गया है कि इसे दतिया बुलाकर अपने कंठ से लगा सको, अपना आशीर्वाद दे सको। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दतिया में आज इस महोत्सव में आना मेरे लिए 2-3 प्रकार की प्रसन्नता का विषय है। एक विषय तो इसलिए कि यह पुण्य भूमि है, ये दैव भूमि है। भारत की सीमाओं के ऊपर अगर किसी भी चीन निशा से कोई अराजक आंख उठ जाए और व्यवस्था भी कमजोर हो जाए, तो इस मिट्टी से वो प्रतापी आवाज निकली है जिसने विदेशियों को पराजित किया है, पराभव किया है, ये वो जमीन है। और दूसरा इसलिए भी कि बुंदेलखंड का ये पूरा अंचल मेरे मन प्राण में बसता है। आज इस मंच पर ये हमारी एक कवियत्री भुवन मोहिनी है, गीत पढ़ती हैं, मैं भी गीत पढ़ता हूँ। बुंदेलखंड जब जब जाता हूँ लोग मुझसे कहते हैं कि क्या गीत सुनाएंगे। कवि तो बहुत देखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं देखे, पर इतना लोकप्रिय कवि मैंने नहीं देखा यार। मेरे पास झांसी से फोन आ रहे थे, बुंदेला जी पता नहीं आ पाए कि नहीं आ पाए। ग्वालियर से फोन, टिकट दिलवा दो। हमने कहा टिकट नहीं है, ओपन है। तो ओपन है तो बोले जगह दिलवा दो। और सच में हरफन मौला नाम शब्द तो सुना होगा ना आपने, हरफन मौला सुना है कि नहीं सुना? आज हरफन मौला व्यक्ति भी देखो, ये अपनी दतिया का सौभाग्य है। और कुमार भाई, आपके आने के पहले क्या फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या आपकी कविताएं चल रही थी रोहित दतिया में? ऐसा मेरे ख्याल से कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे नहीं चला कुमार भाई का, सही बोलो? सब पे चल रहे हो आप दनादन। और ये लोकप्रियता और ये मान और ये सम्मान सरस्वती पुत्र का ही हो सकता है मित्रों, और किसी का नहीं हो सकता। ऐसा सरस्वती पुत्र हम सब के बीच में है। मैं ज़्यादा आप दोनों के बीच में नहीं रहूँगा, मैं दतिया की धरा पे आप सभी, आपका, आपकी टीम का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत वंदन करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करते रहना। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। और अब यह मंच पूरी तरह से हम कवियों के को समर्पित करते हैं, और मैं अनुरोध करता हूं प्रत्येक व्यक्ति से कि वो अब मंच पर से नहीं।